अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल डूइंग गुड। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 7 एंड इट्स नेम इज मैटर एंड द वाटर साइकिल। फ्रेंड्स, हम इस यूनिट में मैटर को डिस्कस करेंगे, मैटर की 3 स्टेट डिस्कस करेंगे, ठीक है, वाटर साइकिल को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 60 और पेज नंबर 60 पर हम बात करेंगे मैटर की, कुछ डेफिनेशन देखेंगे और साथ ही साथ सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग, प्लीज़ होल्ड योर पेंसिल। 2 भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या लाइन में आपको बताऊँगी, आपने उन्हें अंडरलाइन करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे हम क्लास में करते थे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट आवर वर्ल्ड इज मेड ऑफ। कहते हैं स्टूडेंट्स कि आपने कभी इस बात में सोचा है, कि हम इस बात पे हैरान हुए हैं कि जो हमारी दुनिया है वो किससे बनी है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ इनविजिबल बिट्स और पार्टिकल्स नाउन एज मैटर। कहते हैं हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो इनविजिबल, मतलब कि जो हमें नज़र नहीं आती, ठीक है, वो इनविजिबल पार्टिकल या ज़रात से मिलकर बनी है, जिसको हम मैटर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास मैटर की डेफिनेशन भी है, आप इसको अंडरलाइन कर लें। मैं एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ इनविजिबल बिट्स और पार्टिकल्स नाउन एज मैटर। डन। नेक्स्ट है, यू टू आर मेड अप ऑफ मैटर। आप भी मैटर से ही मिलकर बने हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट इसकी स्टेट की तरफ। द 3 नाउन स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो 3 मैटर की स्टेट हैं, जैसे हम सब फेमिलर हैं, जानते हैं, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। साइंटिस्ट क्लासीफाई अ थिंग एज मैटर इफ इट हैज़ मैस एंड टेक अप स्पेस। अब स्टूडेंट्स, ये एक आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने माइंड में रखें कि साइंटिस्ट जो है किसी भी चीज़ को मैटर तब कहेंगे जब वो 2 कंडीशन को फुलफिल करता है। नंबर 1, उसका अपना एक मैस है, ठीक है। नंबर 2, वो कोई टेक अप द स्पेस, यानी कि वो कोई ज़रा जो भी है वो जगह लेते हैं। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, यानी कि मैस एंड टेक अप स्पेस, तभी वो चीज़ हमारे लिए मैटर होती है। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ डेफिनेशन है 2, उनको जो है वो रीड करेंगे। आपने डेफिनेशन को अंडरलाइन भी करना है। पहले आपने ऊपर मैटर की है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। वो कहते हैं कि वॉल्यूम जो है वो जगह है जो कोई भी ऑब्जेक्ट लेता है, जिसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है या उसकी हाइट होती है। आपने दोनों लाइंस को अंडरलाइन करना है। ये आपके पास वॉल्यूम की डेफिनेशन है। वॉल्यूम यानी कि चीज़ जो भी जगह ले लेती है, ठीक है, जैसे टेबल पर इरेजर पड़ी हुई है, तो इरेजर ने जो जगह ली हुई है टेबल पर, वो उसका वॉल्यूम है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट मैस, आपने इसको भी अंडरलाइन करना है, कंप्लीट लाइन अंडरलाइन कर लें। मैस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। एक चीज़ में मैटर की जो भी अमाउंट होती है उसको हम मैस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर सामने कोई चेयर पड़ी है, ठीक है, चेयर में जितने भी पार्टिकल्स है, जैसे कि लेट्स सपोज ये 5 kg है, तो वो 5 kg उसका मैस है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके सामने कोई बॉल है, बॉल जो है वो आपने उसको हाथ में पकड़ा, तो आपको उसका कुछ जो है वो मैस महसूस होता है। लेट्स सपोज वो 1/2 kg है, तो ये 1/2 kg जो है उसका मैस है। अब कोई भी चीज़ तभी मैटर होती है जब उसका वॉल्यूम होता है और साथ उसका मैस होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कहते हैं, हाउ डू यू नो इफ समथिंग इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपको कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो स्टूडेंट्स, हम इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जिनसे हमें पता चलेगा ये चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ सॉलिड को ही डिस्कस करेंगे। सॉलिड मैटर इज सेट टू
इज सेड इफ इट हैज मैटर जो है सॉलिड है. मैटर इज सॉलिड इफ इट हैज नंबर वन अ डेफिनाइट शेप, यानी कि उसकी अपनी ये खास डिफाइंड शेप है. दिस मीन दैट इट डज नॉट चेंज इट्स शेप इफ यू चेंज द कंटेनर. मतलब अगर आपने कोई चीज़ एक कंटेनर में डाली है तो जिस शेप में वो फर्स्ट कंटेनर में रहेगी, सेकंड कंटेनर में डालने पर भी वो वही शेप जो है वो बरकरार रखेगी. लेट्स सपोज आपके पास एक इरेजर है, आपने इरेजर को डेस्क पे रखा है, तो डेस्क पर जो शेप इरेजर की थी वही रहेगी. अगर आप उसी इरेजर को उठाकर अपने ज्योमेट्री बॉक्स पे रख लेते हैं तो भी इरेजर की शेप वही रहती है, चेंज नहीं होगी. तो यानी कि सॉलिड चीज़ें जो भी होती हैं उनकी शेप चेंज नहीं होती है. यही बात उन्होंने आगे एग्जाम्पल में कही है. फॉर एग्जाम्पल योर इरेजर मेंटेन द सेम शेप वेदर यू कीप इट ऑन योर पेंसिल बॉक्स और योर डेस्क. इस तरीके से आपके चेयर, टेबल, पेंसिल ये सब भी सॉलिड है. पेपर, ठीक है, पेपर आप बैग में रखें, पेपर अपनी बुक में रखें, पेपर अपने टेबल पे रखें, तो पेपर की शेप चेंज नहीं होती है. नंबर टू है हमारे पास अ डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड का एक स्पेशल वॉल्यूम होता है. दिस मीन दैट इट टेक अप द सम अमाउंट ऑफ स्पेस नो मैटर वेयर यू कीप इट. वो कहते हैं कि आप कोई भी मैटर अगर आप उसको किसी भी जगह पर रखें तो वो एक खास जगह जो है वो लेती है और वो जगह सेम रहती है. ठीक है, यानी कि अगर आपकी लेट्स सपोज आपका पेंसिल जो है वो डेस्क पे पड़ी है तो जितनी जगह उसने डेस्क में ली है उतनी जगह वो टेबल या चेयर पर रखने पर भी लेगी. यानी कि उसकी वो जो जगह उसने की एक लेनी है वो चेंज नहीं होगी. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सॉलिड में दो चीज़ें जो है, एक तो उसकी डिफाइंड शेप है, दूसरा उसका डिफाइंड वॉल्यूम है. लास्ट में हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं. अ ब्लॉक ऑफ वुड, ठीक है, लकड़ी का ब्लॉक, टिश्यू पेपर, इरेजर आर सम एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. यानी कि ये सब जो है वो सॉलिड स्टेट की मैटर की एग्जाम्पल है. स्टूडेंट अब हम आते हैं, ये थे हमारा आज का लेक्चर. हमने पेज नंबर 60 को रीड किया है. अब हम इसी से रिलेटेड अपना वर्कबुक का काम करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब आप अपनी वर्कबुक को ओपन करें एंड कम टू पेज नंबर 14. पेज नंबर 14 पर हमने एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते और उसका आंसर मेंशन करेंगे. सिर्फ आपका क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन, तो हमने आज वन क्वेश्चन करना है. वो कहती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड. वो कहते हैं आपके पास थ्री ऑप्शन है, ए बी एंड सी. इन तीनों में से कौन सा एक पॉइंट है जो सॉलिड का करेक्ट बिहेवियर जो है वो डिस्क्राइब करता है. स्टूडेंट्स जस्ट नाउ अभी हमने सॉलिड को डिस्कस किया है, आई एम श्योर यू ऑल हैव आंसर. नंबर ए हमारे पास अरेंज इन एन इररेगुलर पैटर्न. जो सॉलिड होता है वो इन रेगुलर पैटर्न में होता है, वाइब्रेट, मूव अबाउट एंड स्लाइड, और उसके पार्टिकल एक हर जगह जो है वो स्लाइड करते रहते हैं. आर टाइटली पैक्ड एंड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, या वो एक ही जगह पर रहते हैं और अपनी जगह से मूव नहीं करते. हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट, मूव फ्रीली एट हाई स्पीड, या उनकी अपनी कोई अरेंजमेंट नहीं होती और स्पीड जो है वो हाई स्पीड पर मूव करते हैं. तो करेक्ट आंसर इज बी, आर टाइटली पैक्ड एंड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन. यानी कि उसके पार्टिकल अपनी जगह पर रहते हैं और फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह रिमेनिंग रीडिंग और क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. स्टूडेंट्स एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, वोकैबुलरी वर्ड, आप अपनी वोकैबुलरी वर्ड पर परेशान नहीं होना. आपकी जो आंसर क्वेश्चन में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं आपने इन्हीं के स्पेलिंग को एज अ वोकैबुलरी वर्ड याद करना है. जैसे आज के क्वेश्चन में देखिए टाइटली के स्पेलिंग आपने लर्न करने हैं, फिक्स के स्पेलिंग लर्न करने हैं, पोजीशन के स्पेलिंग लर्न करने हैं, यही आपके वोकैबुलरी वर्ड्स हैं. ठीक है, अपने क्वेश्चन को जब आंसर लर्न करते हैं तो स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न किया करें. थैंक यू.